नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कदम रख दिया है, जिसके बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। भारत की ऐतिहासिक सफलता से आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ का जोश और भी ज्यादा हाई है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता का लखनऊ से भी खास कनेक्शन है, क्योंकि इस शहर की बेटी डॉक्टर ऋतु कारिधाल के कंधों पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग कराने की अहम जिम्मेदारी थी। देखिए खास रिपोर्ट। ऋतु करिधल लखनऊ के राजाजी पुरम इलाके की रहने वाली है। यहां पर आज भी उनका पैतृक घर है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। यहां पर आज भी उनके भाई रहते हैं। ऋतु ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा लखनऊ के ही नवयुग कन्या इंटर कॉलेज से की थी। ऋतु बचपन से ही पढ़ने में बेहद होशियार थी और स्कूल में हमेशा अव्वल रहती थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की और फिर इसके बाद पीएचडी में दाखिला ले लिया। कुछ समय बाद ही उनका चयन गेट परीक्षा में हो गया और वो फिर यहां से IISc बेंगलुरु चली गई। इसी बीच उनका सिलेक्शन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो में हो गया। इसके बाद ऋतु ने इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई। चंद्रयान 3 मिशन में भी उन्हें लैंडिंग जैसी सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। वो चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर है, अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मथुवेल हैं। इसके पहले डॉक्टर ऋतु मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सलाम कर रही है। भारत ने चांद के उस हिस्से पर कदम रखा है जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया है। करीब 2.5 घंटे के बाद प्रज्ञान को बाहर निकाला और उसने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। वहां से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्टों को भेजी जाएगी। ऋतु करिधल को भारत की रॉकेट विमेन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ऋतु के कंधों पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग कराने की अहम जिम्मेदारी थी और चंद्रयान ने चांद पर सफलता हासिल कर देश का तिरंगा ऊंचा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।